जय जाट। सभी जाट भाइयों और बहनों को नमस्कार। आज हम आपके सामने भाटी जाट गोत्र की हिस्ट्री लेके आए हैं। इसकी डिमांड जो है वो हमारे जाट भाइयों ने की, इसके बारे में बताएं। देखिए, ऐसा माना गया है कि जो भाटी है ये आरंभ में यादव थे। असल में भट्टल भूमि में यादवों के बस जाने से ही भाटी नाम प्रसिद्ध हुआ। भाषा भेद के कारण इन्हें भाटी, भाटिया, भट्टी के नाम से पुकारा जाने लगा। भटनेर बसाने वाले भाटी लोग प्राचीन और सामाजिक दृष्टि से, जैसे कि लड़ाई के समय लड़ाई करना और खाली समय में खेती करना, ये जाट थे। जैसलमेर के भाटी नवी जो जैसलमेर के टाइम पे यहाँ आकर जब बसे तो यहाँ पर धीरे धीरे भाटी का ही पूरा वर्चस्व था। इसी के आगे चल के जाट भाटियों ने ही भटिंडा शहर का जो है निर्माण कराया था। जब बौद्ध धर्म हिंदुस्तान में आया या प्रचलन हुआ तो यहाँ पर भाटी गोत्र की दो शाखाएं निकल गई, एक राजपूत भाटी, एक हिंदू जाट भाटी, जाट भाटी जिनको बोलते हैं। और तीसरी आगे चल के जैसे मुसलमान हिंदुस्तान में आए तो एक मुसलमान भाटी भी शाखा इन्हीं से निकली हुई है। भटनेर और भटिंडा पर जाट भाटियों का राज था और जैसलमेर पर राजपूत भाटियों का राज था। झांसी और हिसार पे कभी जाट कब्जा कर लेते थे भाटी, कभी राजपूत भाटी कर लेते थे, तो लंबे समय तक इनका युद्ध चलता रहा। भटनेर जो अब रियासत बीकानेर के आगे है, पुराने जमाने में जाटों के एक समूह की राजधानी थी। यहाँ जाट बहुत प्रबल और ताकतवर थे। समय समय पर इन्होंने हिंदुस्तान में जो बादशाह मुसलमान आए उनसे युद्ध किया। ऐसा माना जाता है कि जब मोहम्मद गजनी ने हमला किया था हिंदुस्तान पे तो एक नाव के पुल के ऊपर नाव का पुल बनाया गया था, वो इन जाट भाटी राजा भाटियों ने बनाया था। और वो हालांकि युद्ध में हार गए थे इससे, तो उसको फिर तोड़ दिया गया था बाद में। और इनका एक जगह जिक्र और आता है, वो इनका जो मिलती है वो मिलती है रजिया सुल्तान जो कि दिल्ली की बादशाह थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। वो जब यहाँ पर उसके ऊपर दबाव पड़ा तो यहाँ से छोड़ के जब पंजाब की तरफ गई तो उन्होंने जाट जो भाटी थे उनसे मदद मांगी थी। मतलब रजिया सुल्तान की तरफ से जाट भाटी लड़े थे उस टाइम के, जो उनके उसके ब्रदर थे जो फिरोज राज आजम थे, फिरोज आजम जो उसके ब्रदर, जो तख्त के लिए लड़ाई चल रही थी। लेकिन यहाँ रजिया सुल्तान जो हार गई, इस वजह से इसका खामियाजा जाट भाटियों को उठाना पड़ा, उनको कत्ल कर दिया गया था। ऐसे ही बताते हैं कि ये घटना 1205 की है और 1397 में तैमूरलेन के टाइम भी इनका जिक्र आता है कि मुल्तान में भाटी जाटों से युद्ध हुआ था। तो यहाँ भी ये क्यों मिलता है, तो सारांश ये निकलता है कि किसी समय हमारे जो भाटी जाट भाई थे ये दबंग थे और राजनीति में इनकी बहुत बड़ी पकड़ थी, उनके राजा भी काफ़ी हुए। अब हम बता दें, एक तो हम प्रसिद्ध व्यक्ति जो हमारे हैं, ये राजेंद्र कौर भट्टल पंजाब की सीएम बनी थी। राजा भाटी तो राजा बांदा के पुत्र थे और सालिवान के पोते थे। दुल्ला भाटी, पिंडी भाटी के राजा थे, नारायण सिंह भाटी और मंडावली हिसार के हैं ये। अब हम बताते हैं भाटियों के गांव कौन से हैं। जलंधर डिस्ट्रिक्ट में गुड़ियाल, लुधियाना में हरौन कलान, सरमाला, तपरिया, नवांशहर में सहलोन, रामपुर, रेहला, बोलाचार, संगरूर में भाटिया कालान, भाटिया खुर्द, सुल्लरा रात। राजस्थान अलवर डिस्ट्रिक्ट में इनका घटाल, लक्ष्मणगढ़, खेरलीवान, मलखानपुर, रैनापुर। और जम्मू में भी इनका पद है जदिया और सकई कारण। तो ये भाइयों हिस्ट्री थी आपकी भाटी गोत्र की, हमारे नीरज भाई ने डिपार्ट करी थी उसके ऊपर बताई गई। आप भी यदि किसी जाट गोत्र की हिस्ट्री जानना चाहते हैं, हमारे पास लगभग 800-900 जाट गोत्रों की हिस्ट्री है। आप
हमें भेजिए, कृपया कमेंट में किस गोत्र की आप हिस्ट्री चाहते हैं, साथ साथ अपने गांव का नाम स्थान अवश्य लिखिए, ताकि हम, क्योंकि हमारे पास गांव के नाम पूरे नहीं है, हिस्ट्री जरूर आधी, और वो आधी हिस्ट्री का गांव का नाम जोड़ के हम पूरा बताना चाहते हैं, और जो भी प्रसिद्ध, किसी भी गोत्र के प्रसिद्ध लोग हैं उनके बारे में बताएं, ताकि उनकी हिस्ट्री भी बताई जा सके। और आपसे अंतिम निर्णय, कृपया इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जाट भाइयों तक पहुँच सके। जो भाटी गोत्र ज़्यादातर पंजाब में सरदारों में, भाइयों ध्यान रखना, हिंदुओं में राजपूतों में कम है, बट हैं ये सभी जाट भाई। जैसे कि मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, हमें जो जाट की पूरी हिस्ट्री पता लगती है, वो यही पता लगती है कि हम समय या काल अनुसार बदलते चले गए। कोई जैन जाट हो गया, कोई क्रिश्चियन जाट हो गया, कोई अंजना जाट हो गया, कोई सिख जाट हो गया, कोई हिंदू जाट हो गए। कुछ ये भी पता लगा, कुछ सरदार जाट बने थे, बाद में सरदार से छोड़ के वो वापस हिंदू जाट हो गए। तो इसी के साथ सभी भाइयों से अनुमति लेते हुए जय जाट।